महिंद्रा ने रिसेंटली थार रॉक्स लॉन्च कर दी है, जो पुरानी थार का 5-डोर वर्जन है। एंड थार रॉक्स के जैसे ही और एक ऑफ रोडर 4x4 एसयूवी है इंडिया में। जी हाँ, हम यहाँ पे मारुति सुजुकी जिम्नी की बात कर रहे हैं। थार रॉक्स के टॉप मैनुअल वेरियंट AX7L डीजल मैनुअल रियर व्हील ड्राइव की प्राइस 18.99 लाख है, जहाँ पे थार रॉक्स के 4x4 वाले वेरियंट की प्राइसेस अभी तक अनाउंस नहीं हुई, जो ऑब्वियसली इजिली 20 लाख के आसपास होगी। बट जिम्नी के टॉप 4x4 वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस सिर्फ 14.95 लाख है। सो जिम्नी एंड थार रॉक्स के टॉप 4x4 वेरिएंट के बीच इजिली 4-5 लाख का डिफरेंस होने वाला है। सो दोनों कार्स के टॉप वेरिएंट्स को कंपेयर करने का तो कोई सेंस नहीं बनता। बट आपको जिम्नी से सेम प्राइस में थार रॉक्स का रियर व्हील ड्राइव पेट्रोल ऑटोमेटिक वाला MX3 वेरिएंट मिलेगा, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 14.99 लाख है। तो क्या 15 लाख एक्स शोरूम प्राइस पे थार रॉक्स का MX3 वेरिएंट लेना सही रहेगा, या फिर सेम प्राइस पे जिम्नी का टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना ज्यादा सेंसिबल रहेगा? चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। थार रॉक्स की लेंथ 4428 मिलीमीटर है, जहाँ पे जिम्नी की लेंथ 3985 मिलीमीटर है। रॉक्स की विड्थ 1870 मिलीमीटर है, जहाँ पे जिम्नी की विड्थ 1645 मिलीमीटर है। रॉक्स की हाइट 1923 मिलीमीटर है, जहाँ पे जिम्नी की हाइट 1720 मिलीमीटर है। रॉक्स में आपको 2850 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे जिम्नी में आपको 2590 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। रॉक्स में आपको 226 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे जिम्नी में आपको 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड रॉक्स में आपको 644 लीटर का बोर्ड स्पेस मिलता है, जहाँ पे जिम्नी में आपको 208 लीटर का बोर्ड स्पेस मिलता है। हाँ, रॉक्स में ये बोर्ड स्पेस रूफ तक का मेजर किया हुआ है। अगर सेम चीज जिम्नी में मेजर करें तो उसमें भी 208 लीटर से ज्यादा बोर्ड स्पेस काउंट होगा, बट हाँ, स्टिल रॉक्स में जिम्नी के कंपेयर में बहुत ज्यादा बोर्ड स्पेस मिलता है। एंड बाकी सारे डायमेंशन में भी थार रॉक्स बड़ी है जिम्नी के कंपेयर में। सो रोड पे भी रॉक्स बहुत ही बड़ी कार लगेगी, एंड मारुति सुजुकी जिम्नी बहुत ही छोटी लगेगी कंपेयर टू रॉक्स। एंड ज्यादा व्हील बेस के कारण केविन में भी थार रॉक्स में आपको बेटर स्पेस मिलेगा। अब बात करते हैं इंजन्स की। तो रॉक्स में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर डीजल इंजन। बट हम यहाँ पे ओनली टर्बो पेट्रोल इंजन की ही बात करेंगे, बिकॉज जिम्नी से सिमिलर प्राइस में आपको MX3 में ओनली पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। डीजल इंजन में MX3 वेरिएंट जिम्नी से ज्यादा महंगा पड़ेगा। सो रॉक्स में टर्बो पेट्रोल इंजन से 174 bhp का पावर एंड 380 nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे जिम्नी में आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिससे 103 bhp का पावर एंड 134.2 nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। बट हाँ, आपको जिम्नी के सारे वेरियंट्स में 4x4 मिलता है, जहाँ पे रॉक्स में ओनली हायर वेरियंट्स में ही डीजल ऑटोमेटिक में 4x4 मिलता है। सो आपको रॉक्स के MX3 वेरिएंट में ओनली रियर व्हील ड्राइव ही मिलेगा, आपको यहाँ पे 4x4 नहीं मिलेगा। बट जिम्नी में आपको प्रॉपर 4x4 मिलेगा, जिसके कारण जिम्नी से आप हार्डकोर ऑफरोडिंग कर पाओगे। बट थार रॉक्स के MX3 वेरिएंट में आप हार्डकोर ऑफरोडिंग नहीं कर पाओगे। बट हाँ, इंजन पावर वाइज थार रॉक्स का इंजन ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो वैसे तो दोनों कार्स के डिजाइन टोटली डिफरेंट है, बट हाँ, दोनों कार्स बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म पे बनाई गई एसयूवी है। बट स्टिल दोनों कार्स में से एक्सटीरियर में आपको कौन सी कार पसंद आती है, वो आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको LED हेडलाइट, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट जिम्नी में आपको 15 इंच के छोटे एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां पर रॉक्स में आपको MX3 वेरिएंट में 18 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। बट जिम्नी में आपको फॉग लैंप्स भी मिलते हैं, जो रॉक्स के MX3 वेरिएंट में आपको नहीं मिलते। एंड जिम्नी में आपको हेलोजन टेल लाइट्स मिलती हैं, जहां पर रॉक्स में आपको LED टेल लाइट्स मिलती हैं। एंड जिम्नी में आपको रियर में रूफ माउंटेड एंटीना मिलता है, जहां पर रॉक्स में आपको फ्रंट में फेंडर माउंटेड एंटीना मिलता है। एंड जिम्नी में आपको ऑटो हेड लैंप्स का फीचर भी मिलता है, जो रॉक्स के MX3 वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। सो ओवरऑल फीचर्स वाइज यहाँ पर रॉक्स में बड़े व्हील्स मिलते हैं, बट जिम्नी में आपको एलॉय व्हील्स, फॉग लैंप्स एंड ऑटो हेड लैंप जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज भी दोनों कार्स में कई सारे डिफरेंसेस हैं। दोनों कार्स का डैशबोर्ड लेआउट एंड कलर्स भी टोटली डिफरेंट है। जैसे कि जिम्नी में आपको 9 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहां पर रॉक्स में आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है।
एंड जिमनी में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जहाँ पे रॉक्स के MX3 वेरिएंट में आपको मैनुअल एसी मिलता है। रॉक्स में आपको रियर में 3 सीट्स मिलती हैं, जिसमें बीच में आर्म रेस्ट भी मिलता है, जहाँ पे जिमनी में आपको रियर में ओनली 2 ही सीट्स मिलती है एंड रियर में आर्म रेस्ट नहीं मिलता। एंड रॉक्स में आपको रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं, जो आपको जिमनी में नहीं मिलते। एंड रॉक्स में आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है, जो आपको जिमनी में नहीं मिलता। बट दोनों कार्स में आपको फैब्रिक सीट्स, 4 स्पीकर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रिवर्स कैमरा, क्रूज कंट्रोल एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो ओवरऑल भले ही यहाँ पे जिमनी का टॉप वेरिएंट हो या थार रॉक्स का सेकंड वेरिएंट, बट स्टिल इंटीरियर में, फीचर्स में एंड प्रैक्टिकलिटी में यहाँ पे रॉक्स बेटर है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो थार रॉक्स या मारुति सुजुकी जिमनी का अब तक क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ, बट हाँ रॉक्स स्कॉर्पियो इन सब सिमिलर प्लेटफॉर्म पे बेस्ट है। सो रॉक्स से हम 4 या 5 स्टार ला सकती है ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे मारुति सुजुकी की कार्स के क्रैश टेस्ट की हिस्ट्री बहुत ही बुरी रही है, ये आप सबको पता ही होगा। सो जिमनी कैसा परफॉर्म करेगी वो तो डाउटफुल ही है, बट आपको दोनों कार्स में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट जिमनी में आपको TPMS भी मिलता है, जो रॉक्स के MX3 वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको जिमनी का टॉप वेरिएंट लेना चाहिए या फिर सेम प्राइस में रॉक्स का MX3 वेरिएंट लेना ज्यादा बेटर रहेगा। सो सी, अगर बात हो स्पेस की, इंटीरियर की, फीचर्स की, रोड प्रेजेंस की, इंजन परफॉर्मेंस की या फिर ओवरऑल बड़े साइज की, तो यहाँ पे सेम प्राइस में रॉक्स बेटर है। बट हाँ, अगर बात हो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की, तो वहाँ पे जिमनी बेटर है। सो अगर आप एज अ हार्ड कोर ऑफ रोडर इन दोनों में से कंफ्यूज हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए जिमनी बेटर रहेगी, बिकॉज जिमनी में आपको 4x4 मिलता है, जिससे आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर पाओगे। जहाँ पे सेम प्राइस में रॉक्स में ओनली रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन ही मिलता है। बट अगर आप रेयरली ऑफ रोडिंग करने वाले हो एंड आपको ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा सेफ, ज्यादा बड़ी एंड ज्यादा स्पेसियस कार चाहिए, तो दोनों में से थार का MX3 वेरियंट आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सो ये था हमारा कंपेरिजन महिंद्रा थार रॉक्स एंड मारुति सुजुकी जिमनी के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार पसंद आए, तो आप कौन सी कार पसंद करेंगे, थार रॉक्स या फिर मारुति सुजुकी जिमनी? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।